आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से पोल की हाइट निकालेंगे और उसका आरएल ज्ञात करेंगे। हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक पी पोल है। इस पोल की हाइट हमको निकालनी है और इसका जो टॉप पॉइंट क्यू है इसका हमको आरएल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा लाइट को ओ पॉइंट पे सेट करेंगे, इसकी लेवलिंग कर लेंगे और सेंटरिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो बेंचमार्क है जिसका आरएल हमको ज्ञात है 100 मीटर, इस पर स्टाफ रखेंगे और इंस्ट्रूमेंट से इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हमको जो इसका पोल का टॉप पॉइंट क्यू है इसका वर्टिकल एंगल याद करना है, ये अल्फा। तो इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप है उसको क्यू पॉइंट पे हम साइड करेंगे और जो वर्टिकल एंगल है अल्फा उसको हम याद कर लेंगे। इसके बाद एच इज इक्वल टू डी टेन अल्फा, मीन्स ये है कि जो हमारा डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से और पोल तक का जो दूरी है वो होती है डी, जिसको हम नाप सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, बेस ऑफ ऑब्जेक्ट एसेसेबल, मीन्स हम इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट की दूरी को नाप सकते हैं, उसमें ये मेथड काम में लेते हैं। तो हमने इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट की दूरी है डी उसको हमने याद कर ली और जो फार्मूला है एच इज इक्वल टू डी टेन एल्फा, डी मीन्स इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट की दूरी, टेन एल्फा ये एल्फा आ गया। इससे हमारी इस पोल की जो हाइट है जो एच है इस एच की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ से नोट करा था। इस एच आई के अंदर ये एच जब प्लस कर देंगे तो इस पूरे पोल की हाइट हमको ज्ञात हो जाएगी। आर एल ऑफ द टॉप पॉइंट क्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस एच। तो इस तरह से हमको इसकी पोल की हाइट भी ज्ञात हो जाएगी और इसका जो टॉप पॉइंट क्यू है उसका आर एल भी हमको पता लग जाएगा। तो ये है फर्स्ट मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, फर्स्ट मेथड जिसमें ऑब्जेक्ट से इंस्ट्रूमेंट की दूरी हमको ज्ञात कर सकते हैं इसको।